व्हाट्स अप गाइस, जय हिंद, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग किक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नया डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं। ये कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग वगैरह या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉग कुछ नहीं है, इतने एक छोटा सा जानकारी के लिए चाइल्ड सेफ्टी के बारे में है। तो जैसे कि हम लोग अभी कार से दिल्ली से वेस्ट बंगाल आए और अभी हम वेस्ट बंगाल से दिल्ली जाने वाले हैं। तो बच्चे को तो गोद में लेके इतना लॉन्ग ट्रैवल करना, ये भी एक चैलेंज का बात होता है, इसलिए उसके लिए एक चाइल्ड सेफ्टी सीट, आइसोफिक्स 6 सीट लिया गया है। चलो उसको दिखाते हैं कि उसमें चाइल्ड सेफ्टी कितना होता है और लेना ज़रूरी है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और उसको कैसे फिट करता है, पूरा हम प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। चलो आ जाओ। अभी तो हम इसको निकाल के रखे हैं, ये है। तो इसमें बच्चा क्या होता है, यहाँ पे आराम से बैठ जाएगा, फिर ये बेल्ट सामने से लग जाएगा, दोनों हाथ दो साइड से रहेगा, और अपने आप बच्चे को खिलौना पकड़ा दो, खेलते रहेगा, बिंदास खेलेगा, और आपको गोद में लेके ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा ट्रैवल की दौरान। बीच बीच में इसमें बैठा दो, अगर आप नॉर्मल इस बैक सीट में बिठा दोगे तो कभी भी आपका गाड़ी ब्रेक लग सकता है और बच्चा तो पकड़ना नहीं आता है कि कैसे पकड़ के रखे या फिर अपने आप को संभाले। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हो सीट बेल्ट की सहारे। हम फ्रंट सीट में भी इसको फिट कर सकते हैं, हमारा बैक सीट में 3 पोजिशन में हम सीट फिक्स कर सकते हैं, एक लेफ्ट, राइट और सेंटर, इन 3 जगह पे हम इस सीट को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आ रहा है, ठीक से मतलब फोकस नहीं हो पा रहा, इसलिए हम निकाल के साइड में रखते हैं, यह दिखेगा। बात यह है, ये देखिए इसमें कुशन दिया गया है, यहाँ पे हेड रहेगा, सर रहेगा, और दोनों साइड से इसको कुशन है, और ये तो हाथ में ऊपर, ये बैक साइड है, और यहाँ पे ये नीचे रहेगा, और नीचे से ये बाहर से इसको कवर रहेगा, और यहाँ पे जो लॉक है ये इस तरह से है, ये तीनों, हाँ, ये दोनों लॉक को एक के ऊपर दूसरे को ऐसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेट करने के बाद इसको यहाँ पे इसे डाल देना है, फिर बच्चे का ये दोनों अगर ढीला होता है तो उसको टाइट करने के लिए इसको अंदर की तरफ, यहाँ पे देखो, इसको अंदर की तरफ दबा के और इसको ऐसे आप खींच दोगे तो ये टाइट हो जाएगा, बस सिंपल है। नीचे भी अच्छा कुशन है, बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ है, इसका सबसे अच्छा जो है, ये पूरा के पूरा ऊपर वाला कवर जो है रिमूवेबल है, इसको हम निकाल के इसको वॉश भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गंदा हो गया है, इतना दूर ट्रैवल किया था तो खाना वाना बच्चे का ये हो गया। और एक चीज़ है इसमें, और 3 पोजीशन है, ये नीचे वाला लॉक को इसे खींच के और थोड़ा ऊपर की ओर अगर दबाएंगे हम, एक तो ये नॉर्मल सिंपल पोजीशन, उसके बाद और थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा बैक साइड में, और जब बच्चा सोएगा तब हम इसको इस तरह से इस पोजीशन में रख के भी हम बच्चे को यहाँ पे लेटा सकते हैं, आराम से वो सो सकता है। फिर दोबारा हम इसको ये करने के लिए वापस ऐसे कर सकते हैं, और है बच्चे की हाइट के ऊपर डिपेंड करके इसको एडजस्टेबल भी कर सकते हैं हम, इसको अलग अलग ये होल दिया गया है, अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा है बच्चा तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, और एक यहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। तो ये हुई इस सीट का कुछ खासियत। अब देखो इसको सीट बेल्ट के साथ हम गाड़ी में फिट कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंपल, इसको हम ऐसे ले जाते हैं और इसको ऐसे रख देते हैं, हम इस राइट साइड में इसको हम फिट करेंगे, इसलिए ये जो सीट बेल्ट है इसको हम धीरे धीरे खींच लेंगे जितना हो सकता है। सीट बेल्ट खींचने के बाद हमको करना क्या है, यहाँ से ये देखो
यहाँ से हम इसको उस तरफ क्रॉस करेंगे। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर लिए। क्रॉस करके इस तरफ जो जो सीट बेल्ट का होल है, इसमें हम इसको अंदर डाल लेंगे। इसके अंदर इसको फिक्स कर देंगे। ये फिक्स कर दिया, फिर इसको इस लॉक के अंदर डाल, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। बस इसको तो हम यहाँ पे डाल दिए हैं। ये नीचे से तो हमारा सेफ्टी ही आ गया है। अब ऊपर वाला हिस्सा, इसका तो अभी तक हुआ नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा और आगे निकाल के ये जो ब्लू कलर का जो ये है, इसके अंदर इसको डाल लेना है। ये अब ये फिक्स हो गया। ये क्या होगा, कभी भी झटका के साथ अगर ब्रेक लगता है तो ये आगे आएगा नहीं, अटक जाएगा। ये हो गया, बच्चे का सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लव लेफ कंपनी का है और हम कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहे, तो स्क्रीन में हम लिख देंगे इसका एक्चुअली प्राइस क्या है। ये जो आइसोफिक्स सीट है, ये बहुत ज़रूरी है लॉन्ग ड्राइव के लिए। अगर कोई लॉन्ग ट्रिप करते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो और आपके साथ बच्चा है, तो बच्चे का मम्मी के लिए भी ये रिलैक्सेबल फील होगा, प्लस उसके लिए भी थोड़ा सा अकेला बैठेगा और सेफ्टी के साथ बैठेगा। इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है। आज का वीडियो बस यही तक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आइसोफिक्स सीट किसी भी कंपनी का हो, आपको बच्चे के लिए लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो, अगर खुद रिलैक्स फ्री रहना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आज का वीडियो बस छोटा सा यही तक है, तो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और अपने और अपने को ख्याल रखिए।